नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल HRI News पर। इस समय की सभी बड़ी खबरें दोस्तों आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, जहां पर आपको एक एक करके सभी बड़ी खबरें इसी वीडियो में बताएंगे। अभी अभी आए एक और चुनाव के नतीजों में ममता बनर्जी ने किया बीजेपी का सुपड़ा साफ। हम आपको दोस्तों खबर आगे विस्तार से बताएंगे। तो वहीं दोस्तों दूसरी बड़ी खबर में बताएंगे, मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते ही एक्शन में आए उद्धव ठाकरे, किए बड़े ऐलान। तीसरी बड़ी खबर में आप लोगों को दोस्तों बताएंगे, बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा हो गए फिर से ट्रोल। इसी प्रकार की तमाम बड़ी खबरें दोस्तों आगे जानेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर दबा दीजिए और एक प्यार वाला लाइक वीडियो को अभी कर दीजिए दोस्तों। तो आइए आज की सभी बड़ी खबरें जान लेते हैं। पश्चिम बंगाल उपचुनाव के नतीजे, ममता बनर्जी की पार्टी ने छीनी कांग्रेस बीजेपी की सीटें, तीनों पर दर्ज की बंपर जीत। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बता दें, पश्चिम बंगाल में हुए उपचुनाव में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने सभी तीनों सीटों पर जीत दर्ज की है। इस उपचुनाव में बीजेपी को एक भी सीट नहीं मिली है। और आप लोगों को वहीं बता दें, खड़गपुर सदर सीट का नुकसान भी उठाना पड़ा है बीजेपी को, क्योंकि पहले यह सीट बीजेपी के पास थी। इस उपचुनाव में टीएमसी ने बीजेपी और कांग्रेस की एक एक सीट पर कब्जा कर लिया है। तीनों सीटों में से खड़गपुर सीट पर पहले बीजेपी और करीमपुर सीट पर कांग्रेस का कब्जा था। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उपचुनाव में जीत के बाद कहा कि मतदाताओं ने भाजपा को उसके सत्ता के अहंकार के लिए सबक सिखाया है। इन सभी जगहों पर आप लोगों को दोस्तों बता दें, सोमवार को मतदान हुआ था। तृणमूल कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल की कालियागंज और खड़गपुर सदर और करीमपुर सीट पर जीत दर्ज की है और कर दिया है भाजपा का सुपड़ा साफ। तो दोस्तों देख सकते हैं कि लोकसभा चुनाव के बाद एक के बाद जो भी चुनाव हो रहे हैं, चाहे वो महाराष्ट्र ले लीजिए चाहे हरियाणा, बीजेपी को झटके पे झटके लगे। और यहां अब पश्चिम बंगाल में उपचुनाव हुए हैं, यहां पर भी बीजेपी को तगड़ा झटका दिया है ममता बनर्जी की पार्टी ने और कर दिया है सुपड़ा साफ। और ये ममता बनर्जी ने साबित कर दिया है कि उनका जादू अभी भी बरकरार है पश्चिम बंगाल के अंदर। दोस्तों ये बड़ी खबर निकल के आई, आइए एक और लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को बताते हैं। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की अध्यक्षता में कैबिनेट की पहली बैठक हुई। इस बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को लेकर मुख्य सचिव से जानकारी मांगी गई है, एक दो दिन में किसानों को लेकर बड़ा ऐलान किया जाएगा। वहीं इस बैठक में यह फैसला किया गया है कि रायगढ़ में छत्रपति शिवाजी महाराज के किले को संवारा जाएगा, इसके लिए सरकार ने 20 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। इस बैठक में उद्धव ठाकरे के साथ वे सभी 6 मंत्री मौजूद थे जिन्होंने उद्धव ठाकरे के साथ शपथ ली थी। आप लोगों को दोस्तों बता दें, किसानों को लेकर सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा कि अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि किसानों के लिए चालू सभी योजनाओं का ब्यौरा दें। किसानों की समस्या गंभीर समस्या है, कोई छिटपुट घोषणा नहीं करना चाहता हूं मैं, ये कहा है उद्धव ठाकरे ने। जनता को यकीन दिलाना चाहते हैं कि अच्छी सरकार देंगे हम, इसलिए आशीर्वाद चाहिए हमें जनता का। राज्य में कहीं भी डर का माहौल नहीं बनने दिया जाएगा, ये सरकार आम लोगों की सरकार है। ये तमाम बातें उद्धव ठाकरे ने कही दोस्तों। तो वहीं दोस्तों आप लोगों को बता दें, महाराष्ट्र विकास आघाड़ी की सरकार ने अपने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की घोषणा कर दी है। प्रोग्राम की प्रस्तावना में ही कहा गया है कि यह सरकार अपने सेक्युलर मूल्यों पर अडिग रहेगी। न्यूनतम साझा कार्यक्रम में किसानों के मुद्दों को वरीयता दी गई है। दूसरे नंबर पर बेरोजगारी को दूर करने की बात कही गई है न्यूनतम साझा कार्यक्रम यानी कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में। आप लोगों को बता दें, इसमें स्थानीय लोगों को राज्य में 80% नौकरियां दिए जाने का वादा किया गया है। साथ ही सरकारी नौकरियों में खाली पड़े पदों को भी जल्द भरने की बात कही गई है। शिवसेना के नेता एकनाथ शिंदे, कांग्रेस के बाला साहेब थोराट और एनसीपी के जयंत पाटिल तथा नवाब मलिक ने साझा न्यूनतम कार्यक्रम जारी किया। महाविकास आघाड़ी के न्यूनतम साझा कार्यक्रम को मुख्य रूप से किसान, बेरोजगारी, महिला, शिक्षा, शहर विकास, स्वास्थ्य, उद्योग, सामाजिक न्याय, पर्यटन, कला संस्कृति पर केंद्रित किया गया है। इसमें शिवसेना के चुनावी घोषणा पत्र में शामिल मुद्दों को प्रमुखता से शामिल किया गया है। शिवसेना ने 1 रुपए में डॉक्टरी जांच, झुग्गी पुनर्विकास में गरीबों को 500 वर्ग मीटर जमीन, सूखा पीड़ित किसानों की कर्ज माफी और पूरे राज्य में 10 रुपए में भरपेट भोजन कराने वाले केंद्रों की स्थापना का
वादा किया गया था। ये सभी मुद्दे न्यूनतम साझा कार्यक्रम में शामिल हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं ये बड़ी खबर निकल के आई महाराष्ट्र से। उद्धव ठाकरे सीएम बनते ही आ गए हैं एक्शन में और कहा है कि एक दो दिन के अंदर किसानों के लिए होगा बड़ा ऐलान। आइए दोस्तों एक और लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को बताते हैं। बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने लिखा, शकुनी इज नॉट चाणक्य। यूजर बोले, पूरी हार गए तो अमित शाह को शकुनी बना दिया। क्या है पूरा मामला दोस्तों आप लोगों को बता दें, भाजपा के प्रवक्ता अब अपने एक ट्वीट से ट्विटर पर यूजर के निशाने पर आ गए हैं। अपने ट्वीट में संबित पात्रा ने शकुनी और चाणक्य जैसे कैरेक्टर्स का जिक्र करते हुए लिखा कि शकुनी चाणक्य की तरह नहीं है, अंतर करना सीखिए। ये ट्वीट किया गया यहां पर भाजपा के प्रवक्ता संबित पात्रा की तरफ से। उनके इस ट्वीट पर कई यूजर्स ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। दीपक जोशी नाम के एक शख्स ने लिखा कि अमित शाह जी के रोड शो के बावजूद पुरी में जीत नहीं पाए तो अब उन्हें शकुनी कह रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है संबित जी। संतोष बारबते नाम के एक यूजर ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए लिखा कि जो अंधेरे में घटिया से घटिया खेल खेलता है वो शकुनी, और जो डंके की चोट पर ललकार कर खुलेआम खेल खेलता है वो है चाणक्य। यहां पर लोगों की तरफ से प्रतिक्रियाएं दी गई हैं संबित पात्रा के ट्वीट पर, और यहां पर संबित पात्रा हो गए हैं अपने ही ट्वीट पर जमकर ट्रोल। ये बड़ी खबर निकल के आई दोस्तों, आइए एक और लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को बताते हैं। शिवसेना के वरिष्ठ नेता संजय राउत का पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस पर तंज, कहा विरोधी दल का नेता चुने जाने पर बधाई हो। जी हां दोस्तों आप लोगों को बता दें, महाराष्ट्र में शिवसेना के नेतृत्व में सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाने वाले संजय राउत ने पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर तंज कसा है। उन्होंने तंज भरे लहजे में देवेंद्र फडणवीस को बधाई दी है। शिवसेना के प्रवक्ता ने ट्वीट में लिखा कि महाराष्ट्र में विरोधी पक्ष ही नहीं रहेगा, यह दावा करने वाले पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को विरोधी दल का नेता चुने जाने पर हार्दिक बधाई। ये यहां पर ट्वीट करके संजय राउत की तरफ से बातें कही गई और तंज भरे लहजे में यहां पर बधाई दी है देवेंद्र फडणवीस को। क्योंकि दोस्तों आप लोगों को बता दें, महाराष्ट्र में जो महाविकास आघाड़ी की सरकार बनी है, यानी कि एनसीपी कांग्रेस और शिवसेना की सरकार बनी है, उसमें शिवसेना के वरिष्ठ नेता संजय राउत का भी एक अहम रोल है। क्योंकि लगातार संजय राउत ये साफ करते रहे कि इस बार मुख्यमंत्री तो शिवसेना का ही बनेगा, और लगातार ट्वीट करके भाजपा के ऊपर निशाना भी साधते रहे और सामना के जरिए भी भाजपा को निशाने पर लेते रहे। आइए दोस्तों एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते हैं। अखिलेश यादव बोले, बीजेपी के अच्छे दिन पूरे हुए, नए राजनीतिक युग की दस्तक। जी हां दोस्तों आप लोगों को बता दें, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने महाराष्ट्र के नव निर्वाचित मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को बधाई दी है। अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए लिखा, महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की नव निर्वाचित सरकार एवं नव निर्वाचित मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को हार्दिक बधाई। उन्होंने आगे लिखा कि सेकुलरिज्म और सोशलिज्म का ये नया महाराष्ट्रीय गठजोड़ आने वाले नए राष्ट्रीय राजनीतिक युग की दस्तक है। उन्होंने आगे लिखा कि बीजेपी के अच्छे दिन अब पूरे हो चुके हैं और बुरे दिनों की शुरुआत बीजेपी की हो चली है, क्योंकि जनता बीजेपी से परेशान है। इसीलिए जनता ने बीजेपी को हरियाणा और महाराष्ट्र में मजा चखा दिया है, ये कहना है अखिलेश यादव का दोस्तों। और उन्होंने यहां पर उद्धव ठाकरे को भी बधाई दी है और बीजेपी को लिया है निशाने पर। आइए दोस्तों एक और लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को बताते हैं। सोनिया गांधी ने महाराष्ट्र के राज्यपाल पर साधा निशाना, बोली मोदी साहब हुए बेनकाब। जी हां दोस्तों आप लोगों को बता दें, महाराष्ट्र में जिस तरह से पिछले दिनों सियासी ड्रामा देखने को मिला, उस पर आखिरकार विराम लग गया जब उद्धव ठाकरे ने प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। लेकिन इस पूरे सियासी ड्रामे के बीच प्रदेश के राज्यपाल सवालों के घेरे में हैं। खुद कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भाजपा और राज्यपाल पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस पार्टी एकजुट हैं और वह एक साथ मिलकर भाजपा के घोर जोड़ तोड़ को हराएंगे। आप लोगों को दोस्तों बता दें, सोनिया गांधी ने आगे कहा कि तीनों दलों को तोड़ने की हर संभव कोशिश की गई ताकि उनकी सरकार ना बन सके, लेकिन हमने सुप्रीम कोर्ट में अपील की और मोदी साहब का चेहरा पूरी तरह से लोगों के सामने आ गया।
तो वहीं दोस्तों सोनिया गांधी ने महाराष्ट्र के राज्यपाल पर भी तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि राज्यपाल ने बिल्कुल भी सही तरह का बर्ताव नहीं किया और उनका व्यवहार काफी निंदापूर्ण था। इस बात में कोई शक नहीं है कि उन्होंने यह सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के इशारे पर किया। यहां पर देख सकते हैं दोस्तों सोनिया गांधी ने लिया है अमित शाह, मोदी और महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को निशाने पर। आइए दोस्तों एक और लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को बताते हैं। प्रज्ञा ठाकुर के बाद अब भाजपा विधायक का विवादित बयान, बोले आतंकवादी नहीं थे, गोडसे भूल हो गई थी उनसे। जी हां दोस्तों आप लोगों को बता दें महात्मा गांधी जी के हत्यारे नाथूराम गोडसे पर भाजपा के सांसद प्रज्ञा ठाकुर की टिप्पणी के बाद अब उन्हीं की पार्टी के विधायक ने विवादित बयान दिया है। बलिया से भाजपा विधायक सुरेंद्र सिंह ने कहा कि नाथूराम गोडसे से महात्मा गांधी की हत्या करने की भूल अवश्य हुई, लेकिन वह आतंकवादी नहीं थे। यहां पर देख सकते हैं कि प्रज्ञा सिंह ठाकुर के बाद बीजेपी के ही विधायक ने दिया है विवादित बयान, जिसके बाद विपक्ष लगातार हमलावर हो गया है बीजेपी पार्टी के ऊपर। तो दोस्तों देख सकते हैं कि बीजेपी की विचारधारा क्या है, इन सभी बयानों से स्पष्ट हो जाती है। तो वहीं दोस्तों आप लोगों को बता दें प्रज्ञा सिंह ठाकुर और बीजेपी विधायक के द्वारा दिए गए इन बयानों को लेकर के विपक्ष लगातार हमलावर है मोदी सरकार के ऊपर और जमकर घेर रहा है बीजेपी को। बीजेपी की पूरे देश में हो रही है किरकिरी। आज की ये तमाम बड़ी खबरें थी दोस्तों जो हम आप लोगों के लिए लेकर आए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों तक ये खबरें जरूर पहुंचाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर दबा दीजिए। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।